हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टिकटॉक अनबैन से रिलेटेड। जी हां फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे बहुत जल्द अब फिर से टिकटॉक पहले की तरह अनबैन हो सकता है। आप सभी को तो पता होगा टिकटॉक के साथ साथ कई ऐसे ऐप हैं जिसे इंडिया में बैन किया गया था, पर हम आपको बताना चाहेंगे टिकटॉक अब फिर से इंडिया में अनबैन होने वाला है। फिर अगर आप सोच रहे हैं वो कैसे, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि टिकटॉक जो कि बिलियंस की कंपनी थी, म्यूजिकली को उसने 1 मिलियन में खरीद के उसका नाम टिकटॉक किया था, अब इसको ओरेकल खरीदने वाली है। जी हाँ फ्रेंड्स, ओरेकल एक मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर की कंपनी है जो सर्वर एंड DNS वगैरह मैनेज करता है, वो अब टिकटॉक को खरीद के इंडिया में दोबारा से लॉन्च करने वाला है। हालांकि इस पे ट्विटर, माइक्रोसॉफ्ट और इंडियन कंपनी यानी कि रिलायंस ने भी इसको खरीदने की पूरी कोशिश किया था, पर टिकटॉक की तरफ से इसे 50 बिलियन मांगा गया था। और ऐसे में ये बात काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प हो जाती है कि ओरेकल ने इसे कितना में खरीदा है। तो हालांकि अभी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ रहा है कि ओरेकल टिकटॉक को कितने पैसा में खरीदा, पर बहुत लोग दावा कर रहे हैं कि ओरेकल ने इसे 30 बिलियन में खरीदा है। जी हाँ फ्रेंड्स, हम आपको बताना चाहेंगे ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है। म्यूजिकली जब सेल हुआ था तो उसे केवल टिकटॉक ने 1 बिलियन में खरीदा था, और 2 से 3 साल के अंदर इसे 50 बिलियन की कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। तो आप सभी का इस पर क्या ओपिनियन है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वहीं अगर आप टिकटॉक को मिस कर रहे थे और आप शॉर्ट वीडियोस देखने के काफ़ी ज़्यादा शौकीन थे, तो आपका ये मनोरंजन दोबारा से आने वाला है। अब देखना ये होगा कि कब तक इस कंपनी को परमानेंटली ओरेकल के नाम पे रजिस्टर कर सकता है। इसमें हालांकि थोड़ा टाइम लगने वाला है, पर बहुत जल्द ये सारे प्रोसेस कंप्लीट कर दिए जाएंगे, और उसके बाद ये टिकटॉक चाइनीज ना रहकर नॉन चाइनीज ब्रांड बन जाएगा, और ऐसे में इसे फिर से इंडिया में दोबारा से लॉन्च करना होगा। तो आप अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।